नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अनुज और आप लोग देख रहे हो द आर्टियन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे यहाँ पे द नेशनल मिशन ऑफ पाम ऑयल, यानी एक रीसेंट न्यूज़ के हिसाब से यूनियन कैबिनेट में हमको वेडनेसडे क्लियरेंस मिली है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारी जो एडिबल ऑयल है यानी खाने पीने के जो तेल है या फिर जो पाम ऑयल है उसके ऊपर जो बढ़ती टैक्सेस या फिर जो बढ़ती उसकी प्राइस है उसको घटाने के लिए एक उद्योग लिया गया है सरकार की तरफ से। इस उद्योग में हमें क्या देखने को मिलता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल और एडिबल ऑयल को अप्रूवल दिया गया था 16 अगस्त को, नेक्स्ट डे आफ्टर प्रधानमंत्री जब इंडिपेंडेंस स्पीच देते हैं। इस मिशन के दौरान हम लोग को ये इस चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे 11,040 करोड़ की डोमेस्टिक कल्टिवेशन को यहाँ पे बढ़ोतरी देने की कोशिश की जा रही है। ये देश के आर्थिक स्थिति के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। हम लोग ये चीज़ हम सबको पता है कि आफ्टर द कोविड-19 एंड लॉकडाउन के टाइम पे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे नुकसान झेलने को मिली है, जहाँ पे जीडीपी भी काफ़ी गिर चुकी है, जहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ रही है और इंसानों की यहाँ पे जॉब भी जा चुके हैं। इसके ऊपर इंसानों को बचाने के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा ये काफ़ी अच्छा उद्योग या काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो तेल है जो कि इंसान की ज़रूरत की सबसे महंगी चीज़ है उसको यहाँ पे हम लोग को बढ़ोतरी में मिल सकती है। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि जो इम्पोर्ट टैक्सेस है यानी हम लोग जो एडिबल ऑयल को जो टैक्सेस लगते हैं उस टैक्स को हटाई जाएगी, जिसके हिसाब से हम लोग को ये चीज़ समझ में आए कि जो तेल है उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी एंड इंसान उसको और अच्छी तरीके से यूज़ भी कर पाएंगे। यूनियन कैबिनेट की तरफ से ये जो स्कीम है इसको काफ़ी दिन पहले एक बार चालू करने की सोचा गया था, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 और काफ़ी जो एक्सपेंसेस के हिसाब से ये चीज़ नहीं हो पाया। बट वेडनेसडे को यूनियन कैबिनेट ने ये चीज़ को कंफर्म किया कि वो लोग इस मिशन को काम करने वाले हैं। इस मिशन में हम लोग देख सकते हैं ये जो है 10 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे बाय 2025 और 2026 हम लोग को स्टोरेज या कल्टिवेशन देखने को मिल सकती है एंड 16 लाख प्रति हेक्टेयर बाय द एंड ऑफ 2029 एंड 2030। इसका मतलब ये है कि हमारी भारत खुद अब तेल प्रोड्यूस करने में या फिर तेल की जो कमी हो रही है भारत पे या फिर जो बढ़ती दाम है या फिर जो बढ़ती उसकी प्राइस है उसके ऊपर भारत खुद निर्णय ले रही है। हम सबको पता है आफ्टर द तालिबान अटैक यहाँ पे और भी इंटरनेशनल प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कुछ गलत सिचुएशंस भी हो सकती है, जहाँ पे हमने अल्टीमेटम्स भी देखे हैं। इसके ऊपर खड़ा होते हुए भारत की तरफ से ये काफ़ी अच्छा उद्योग है, बिकॉज हर एक जगह में चीज़ों के दाम बढ़ने के हिसाब से भारत के आर्थिक स्थिति भी कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भारत के लोग यहाँ पे कंगाली के कारण मर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे देश छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे वो किसी और देश में कुछ नए काम करने के लिए सोच रहे हैं। इस हिसाब से तेल के ऊपर जो प्राइसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तेल जो है यहाँ पे हम लोग भारत इंपोर्ट करता है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट देशों से, इसके लिए इसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है या फिर इसके ऊपर जो इम्पोर्ट टैक्सेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो भारत यहाँ पे ये चीज़ अच्छी कर रही है कि भारत अपने हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है, जहाँ पे 5 साल के अंदर कल्टीवेशन जो है वो 10 लाख प्रति हेक्टेयर हो सकती है और 10 साल के बाद वो 16 लाख प्रति हेक्टेयर हो सकती है। इसका मतलब तेल की जो प्राइस है वो भी भारत में कम हो सकती है। यूनियन कैबिनेट की ये जो सिद्धांत है इसको नरेंद्र मोदी ने पास कर दिया है एंड ये जो है ये जो मिशन है इसका नाम है नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल एंड एडिबल ऑयल, इसको अप्रूवल भी मिल चुकी है। इसके ऊपर सरकार ने काम करना भी चालू कर दिया है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काफ़ी इसकी जो निजी चीज़ों के ऊपर भी काम हो रही है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तेल की जो कैपिटलिज्म होती है या फिर तेल में जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं या फिर तेल में जितने भी हम लोग शोषण देख सकते हैं उस सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे सरकार काम करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तेल की प्राइस को कम करने की बात ही नहीं की गई है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भारत में कृषियों को भी यहाँ पे एक अच्छा सुविधा मिल सकता है, बिकॉज अगर यहाँ पे भारत खुद अपने हिसाब से कुछ प्रोडक्शंस कर पाए तो यहाँ पे भारत की खुद की आर्थिक स्थिति इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी सही हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट आप सबको पता है अगर सही भारत हो जाती है तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ भारत के लिए भी होगी। एंड आज की वीडियो बस यही तक है, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अब अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ और आप बता सकते हो कि भारत की सरकार काफ़ी अच्छी काम कर रही है। मैं मिलूँगा फिर आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।